Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता आजम खान, जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, और उनके बेटे जो कि इस बार स्वार विधानसभा सीट से विधायक बने थे, हालांकि एक मामले में 2 साल की सजा हुई और उनकी विधायकी चली गई। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे आगे आजम खान के कुर्सी जाने के बाद, बेटे की कुर्सी जाने के बाद, उनके घर का कोई परिवार का सदस्य उपचुनाव में अब्दुल्ला आजम के सीट पर लड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अखिलेश यादव ने हिंदू कार्ड खेलकर जो है अनुराधा चौहान को टिकट दे दिया। और उसके बाद अब तमाम तरीके की बातें होने लगी है और कई लोगों का यह कहना है कि क्या आजम खान अनुराधा के लिए प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई है। बड़ी खबर क्या है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ गई है, उसमें आप सभी के जो चहेते हैं यानी कि आजम खान उनका नाम है कि नहीं, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो रामपुर ने पार्टी का स्वार विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों का लिस्ट जारी कर दिया है। सपा के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम है, शिवपाल यादव, आजम खान और स्वामी प्रसाद मौर्य समेत पार्टी के तमाम नेता स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। हालांकि सपा सांसद शफीक उर रहमान बर को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इस लिस्ट में सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम, सपा सांसद एसटी हसन, इस सीट से पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम, धर्मेंद्र यादव, इंद्रजीत सरोज, विशंबर प्रसाद निषाद, रामेश्वर राजभर, रामाश्र विश्वकर्मा, कमाल अख्तर, वीरपाल सिंह यादव और लाखन पाल सिंह का नाम है। इसके साथ ही लिस्ट में और भी कई नाम शामिल हैं। बता दें कि स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने से खाली हुई है। सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब्दुल्ला 2 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन दोनों बार उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। स्वार सीट मुस्लिम बहुल है और यहाँ जीत हार मुस्लिम वोटरों पर निर्भर करता है। यह आजम परिवार और सपा का गढ़ है। समाजवादी पार्टी के 3 विधायक अब तक इस सीट से जुड़ चुके हैं, तो वह 3 मुस्लिम थे। इस सीट पर 5 बार भारतीय जनता पार्टी की भी जीत मिल चुकी है। अब देखना होगा कि इस जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पर अखिलेश यादव ने जब हिंदू कैंडिडेट को उतारा है तो वो कितना जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव बेहतर तरीके से लड़ पाती हैं, और आखिरकार जब नतीजे आते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी इस गढ़ को अपने बचाने में कामयाब हो पाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता है, इस पर आपको क्या लगता है बताइए। धन्यवाद।